शायद प्राचीन काल में भी ग्लोबल गवर्नेंस का रहा होगा। सब लोग रोज सुबह अपना जो भी पूजा पाठ करते हैं, अंत में मंत्र पुष्पांजलि होती है। तीन मंत्र होते हैं, जगनेन जगमेजन देवास्ताने धर्माय। उसका तीसरा मंत्र है ओम स्वस्ति साम्राज्यम वैराज्यम भोज्यम। उसमें करीब 16 प्रकार की राज्य प्रणालियों के नाम आने के बाद उसमें अंत में आता है समुद्र पर्यंत आया पृथ्व्याय समुद्र पर्यंत आया एक राट इति। पृथ्वी से समुद्र पर्यंत यह एक राष्ट्र है। इसमें साम्राज्य साम्राज्य वह है जहां कोई सभा समिति नहीं होती है, पार्लियामेंट नहीं होती है, केवल मोनार्क एक छत्र शासन होता है। वैराज्य 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 वह होता है जहां का राजा विराट कहलाता है, नेपाल से लेकर श्रीलंका तक और इंडोनेशिया से लेके और अफगानिस्तान तक हमारे यहाँ अनेक जगह विराट नगर रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वहां राजा विराट होते आए हैं। हमारे यहाँ अलवर के पास भी विराट नगर था, नेपाल में भी एक बड़ा औद्योगिक नगर विराट नगर है। तो वहां राजा विराट की परंपरा में वो वैराज्य कहलाता है। इसी प्रकार से भोज्यम हमारे यहाँ भोज नगरी धारा नगरी भी थी, भोज कई जगह हुए, भोजपुर भारत में भी है, भोजपुर नेपाल में भी है, जहाँ वेलफेयर स्टेट होती थी, बुद्धिजीवी सामंतों की सभा या समिति या पार्लियामेंट होती थी। तो वहां और उन्हीं के द्वारा राजा की नियुक्ति होती, तो वह राजा भोज कहलाते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी और भोज वह साम्राज्य कहलाता है। ऐसे समंत पर्यायी अधिराज्य ऐसी इन सब का तैतृय उपनिषद में इन सभी प्रकार की शासन प्रणालियों के विस्तृत वर्णन मिलते हैं। अर्थात यह संपूर्ण भूमंडल पृथ्वी से समुद्र पर्यंत एक राष्ट्र है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों से युक्त भिन्न भिन्न राज्य हैं। कहीं वैराज्य है, कहीं भोज्य है, कहीं समुद्र पर्यायी है, कहीं अधिराज्य है, कहीं महाराज्य है। ऐसे उन सब के वर्णन है और उन सब के कल्याण की हम कामना करते हैं। आज हम देखते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे विभिन्न यूनेस्को विभिन्न आयाम है। ठीक उसी प्रकार से शायद प्राचीन काल में भी एक ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल सिटीजनशिप और संपूर्ण भूमंडल पर धर्म की मर्यादा स्थापित करने का हमारा वह एक नैतिक कर्तव्य या एक मैंडेट शायद रहा होगा। और उसी दृष्टि से मुझे लगता है कि राम के चरित्र को भी समझने की आवश्यकता है कि जहां वह बाली को दंडित करते हैं, जहां वह रावण को दंडित करते हैं और जहां, तो इस दृष्टि से लेने की आवश्यकता है। राम का स्वरूप अगर हम यूं देखें तो हमारे यहाँ राम की अनेक व्याख्याएं की गई हैं। रमनते योगिनां हृदय, रोगियों के हृदय में जो रमन करता है या प्राणियों के शरीर में जो रमन करता है, यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो अंदर मूवमेंट करती है, जो सारी हमारी चेतना की अभिव्यक्ति है, वह भी राम है। और राम शब्द की अनेक निरुक्तियां हमको मिलती है और अनेक प्रकार की मातृकाओं के रहस्य भी मिलते हैं। मैं केवल एक का यहां वर्णन करना चाहूंगा। र अ म तीन अक्षर हैं। व्यक्ति अगर राम शब्द का उच्चारण भी, उसके अर्थ चिंतन आवश्यक है। हमारे यहां कहा है मनना त्रायते इति मंत्र, मनन करने वाले की रक्षा करे वो मंत्र है। तो वह राम मंत्र बन जाता है। र अ म रकारो अनल बीजम साध्वे सर्वे वा अस्वादय। रकार अग्नि का बीज मंत्र है और उसके उच्चारण से मेरे अंदर के सारे कषाय कलमश रोग दुर्गुण आदि भस्म हो रहे हैं। यह एक आस्था या श्रद्धा का भाव व्यक्ति के मन में होना चाहिए। रकारो अनल बीजम साध्वे सर्वे वा अस्वादय। अकारो भानु बीजम साध वेद प्रकाश कर। अकार सूर्य का बीज मंत्र है, उसमें उससे मुझे सभी प्रकार का ज्ञान स्वतः प्राप्त होगा। मकार चंद्र बीजम सदंबु परिपूर्णम। मकार चंद्रमा का बीज मंत्र है, उससे मुझे सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि और समृद्धि प्राप्त होगी और सभी प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि राम का चाहे लौकिक स्वरूप से देखें तो विश्वव्यापी उनका यह जो रामायण काल में भारत का व्याप विश्वव्यापी कहा जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो रामायण के भिन्न भिन्न स्वरूप भिन्न भिन्न देशों में मिल जाते हैं। उसके बाद हम अगर देखें तो राम का जो ब्रह्मांड व्यापी स्वरूप है वह हमें दिखलाई देता है और इसके साथ